कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बहया एक लागत ही पोए मिल गया, परिया करे कलेजे छेक। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, मर हटा छंद संचत कर मन के पहल तुम, सथूल देह यह पाखी कर्मण के लक्षण सुन बेको, मेरी मत अबलाखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग अति सत्कार योग, गुरु सवारी गुरु खालसा सात संग जीओ। अध्यात्म प्रकाश ए पावन ग्रंथ, इस विच पंज कोशां बारे जो निर्णा कवि जी ने दिता है, आप जी ने श्रवण किया है। तो हुण सिख पुछदा है कि दसो जी, ये जिहड़े कर्म हन की होंदे हन, इन्हां बारे हुण दसदे हन, चानना पाउंदे हन। आओ श्रवण करिए जी। मरहटा छंद संचत कर्मन के पहले तुम, सथूल देह यह पाखी। सिख कहन लगा, गुरु जी तुसीं दस्या है कि संचत कर्मा संचित कर्मन के पहले तुम, कि संचित कर्मा तो पहला तो असी स्थूल देह की है ना, स्थूल देह जिस करके ये साडा शरीर बनया है, कर्मा करके बने ना स्थूल देह, जिवें दे कर्म करेगा उवें दा शरीर बनेगा। ये संचित कर्म की होंदे ना, संचित कर्मन के पहले, संचित कर्मा तो पहले आपने दस्या सी वी स्थूल देह कही है सानू, दस्से चानना पाया जिहड़ा शरीर है मोटा पंज तत्वां तो बनया दिखदा है, ये स्थूल देह है। कर्मण के लक्षण सुन बेको, मेरी मत अबलाखी। हुण मेरी मत विच अबलाखा पैदा हो गई भी सुनना चाहुंदा मैं, कर्मां दी की गति हुंदी है, संचित कर्म क्रियामान कर्म प्रारब्ध कर्म ये की होंदे हन, इन्हां बारे दसो जी। संचित और प्रारब्ध कहे हैं क्रियामान जो कर्म। गुरु जी कहन लगे बेटा, तीन तरह के कर्म होंदे हैं, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध इनू परालब्ध भी कहिंदे, ठीक है। कहे हैं दसे हैं क्रियामान जो कर्म, तीजे हैं क्रियामान, पहले संचित प्रारब्ध क्रियामान। भाई दया सिंह जी जदों सिखा ने पूछया दसो जी कर्मां दा निर्णा की है, तो उत्थे भाई साहब ने निर्णा किया है कि क्रियामान कर्म ही संचित बनते हैं, संचित ही प्रारब्ध बनते हैं। संचित जो क्रिया असीं करते हाँ, जिहड़ी साडी क्रिया होंदी होमै दे सहत, वो खालसा जी क्रिया हो रही है ना, क्रियामान कर्म होमै दे सहत, वो संचित कट्ठे हो गए साढ़े, तो उस करके सानू फिर प्रारब्ध जन्म मिलता है। ये तीन तरह के कर्म हैं। सुनो यह ताको समझाओ इनके अद्भुत मर्म। ऐ बेटा तैनू दसदा वा इन्हों का मर्म की है, अद्भुत अनोखा मर्म की है, आश्चर्य रूप भेद की है इन्हों का, वो आप जी सुनो जी। एक जन्म के कर्म फल भुगवे जन्म अनेक। एक जन्म के कर्मा का फल अनेक जन्म भुगया जाता है, एक जन्म के जो फल असं कम करते हैं वह फल मिलना, फल की है संचित है ना, वो अनेक जन्म चलता है, हर जन्म वो चलता है। संचितता से कहत है सुख दुख सहत भवेक। और कई बारी एक जन्म नहीं मिलता, अगले जन्म सुख मिल जाता है। एक कर्म इस जन्म कर रहे हैं हूँ, कई साढ़े कर्म वो लंबे चलते हैं, वो फिर तीजे जन्म चौथे जन्म जाके कई जन्म चलते ना, इस करके इनू संचित कर्म कहते हैं। ये कट्ठे किए हुए कई थां कई मेले खर्चने वाले पैसे कट्ठे किए, कई थां खर्चते ना, मान लो बंदा पैसे कट्ठे करता है एकदम सारे दिन खर्चता ना, थोड़े से खर्चता है। दुख सुख सहत विवेक से संचित कर्म, दुख सुख दे सहत उन्हों सारे कर्म भोगने पैंदे न, ये विचार सहत है, ये देख लो जी। एक जन्म के कर्म फल भुगवे दूजी दे। हुण एक जन्म दे कर्म फल दूजी दे भुगदी है ना, एक जन्म दे हुण कर्म फल और जे दूजे शरीर बंदा भुगदा है। सो प्रारब्ध कहा वही सुन अब सहत स्नेह। ते प्यार ना सुन बेटा, उन प्रारब्ध कर्म किवें भुगते हैं वह सुनो जी। सवैया
गर्भ वसै नर की पस दे जरा युज जोन तहां पद पावे। मनुख दा जेड़ा जन्म किवें हुंदा है, चार खानियां हन, ठीक है, जिन्हों जोनी कहने असी, जोनी चार खानियां, अंडज जेर सेतज उत्पुज। पहला आ गया जेर, जरा जो जेर, गर्भ वसै नर की पस दे, गर्भ विच मनुख दी या पशु दे शरीर उहदी देह वसदी है ना मां दे गर्भ विच, ते जरा युज जोन तहां पद पावे, उत्थे फिर जरा युज, जरा कह लो है ना, अंडर जेर सेतज जेर जेर जरा पाव, वो जर तो जोनी तो, वो जरा युज जोनी उन्हूं कहिंदे हन, जो जेर तो पैदा होने वाले जीव वो जरा जोनी कहाउंदे हन, इस करके ये जरा बन गया ना, पशु आदिक असी आदिक सारे ये असी जरा तो पैदा हुए हाँ, माता पिता दे तत तो पैदा हुए हाँ। पंख ते आद जो अंड ते होत सो अंडज जोन तहां छब छावे। पंखी पंछी जड़े आद वो कितो पैदा हुए, अंडे तो पैदा हुए, कबूतर मुर्गी आद उना तो की बने, फिर अंडज जोन बन गई, तहां छब पावे शोभा पाउंदी है, भाव उन्हूं कहा जांदा है ओ अंडज है। स्वेद ते स्वेदज की उत्पत सो बीज ते और जुआंस कहावे। स्वेद मुड़का पसीना, मुड़के तो जो पैदा हुए जुआं आदिक ओ तो की बने है, सेतज स्वे सेतज स्वेद पसीना मुड़का उतो स्वेज स्वेतज ये जड़ी जून है जड़े जुआं आदिक ओदी उत्पत्ति है, ये खानी है, चार खानियां चो एक खानी है स्वेद, उन्होंने स्वेदज खाणी कहते हैं। अगे सो बीज ते और सो बांस कहावे, बीज तो पैदा हुए किहड़े हूँ, कह लो जिमें कह लो मुड़के तो आदि कई पैदा हुए ना, बीज तो जो बांस ब्रिज आदि पैदा हुए अगे पूरा खोलते हैं, तो तिनुकन तिनुकन ਉਤ ਭੇਜ ਬਿਰਛਨ ਤਿਨੁਕਨ ਲਹੋ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੋ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਣ। ਬੀਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਪੁਜ ਛੁਪਦਾ ਮੇਨ, ਉਤਪੁਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਉਤਭਿਜ ਵੀ ਉਤਪੁਜ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਕਾਫੂ ਆਦਿਕ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਤਪੁਜ ਜੋਨੀ ਅੰਡਰ ਜਿਰ ਸਿਤ ਉਤਪੁਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਨੀਆਂ ਜੋਨੀ 'ਚ ਖਾਣੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਖਾਣੀ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਕਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।